आपने तो यही सुना होगा कि शाही जो जानवर होता है वो शिकारियों से बचने के लिए अपने शिकार पर कांटा फेंक उसके शरीर में धंसा देता है, पर यह धारणा गलत है। दरअसल इसके बाल जो होते हैं वो काफ़ी मोटे, मजबूत और नुकीले होते हैं, जो इसे परभक्षियों से बचने में मदद करते हैं। शाही के शरीर हिलाने पर कांटा झड़ते हैं, यह धारणा गलत है। नीलगाय। नीलगाय औसतन 3 से 5 लीटर तक दूध देती है और इनकी उम्र लगभग 7 से 10 साल तक होती है। नीलगाय एक बड़ा और शक्तिशाली जानवर है। अगर नीलगाय आपके सामने से गुजर जाए तो अगर आपको इसके बारे में पता है तो आप जान जाओगे कि ये नीलगाय है, नहीं तो आप तो यही तुक्का लगाते फिरोगे कि ये हिरण है। यह घोड़े जितना होते हैं पर घोड़े से तेज नहीं दौड़ सकते और ना ही हिरण की तरह लंबी छलांग लगा सकते हैं। दो मुहावा सांप को इंग्लिश में सैंडबो कहते हैं। आपको पता है इस सांप की तस्करी करना इल्लीगल है। अगर कोई व्यक्ति इसे खरीदता और बेचता पाया गया तो उसे जेल भी हो सकती है। यह दूसरे सांपों की तरह जहरीला नहीं होता और यह सांप बहुत ही सीधे साधे किस्म के होते हैं, एकदम भोले टाइप के। जेब्रा। जेब्रा ज़्यादातर ग्रुप में ही खड़े होते हैं। ज़्यादातर मामलों में जेब्रा की माँ, बच्चे और भाई बहन ज़्यादातर एक साथ ही एक परिवार की तरह खड़े रहते हैं, अपना सिर सामने की तरफ झुकाए हुए। एक दूसरे के चेहरे से मक्खियों को आसानी से उड़ा सकते हैं और सर ऊपर करके सभी दिशाओं में देख सकते हैं। दरियाई घोड़े के नाम के साथ घोड़ा शब्द जुड़ा है, यानी यह जल का घोड़ा है, परंतु इस जंतु का रिलेशन घोड़े से नहीं है। यह शाकाहारी प्राणी नदियाँ, झील और मीठे पानी के समूहों में रहना पसंद करते हैं और इनको अधिकांश शाकाहारी जानवरों की तरह अगर दरियाई घोड़े को कैद में रखा जाए तो यह बाकी शाकाहारी जीवों की तरह ही पत्ती, हरी घास और पेड़ पौधे खाएंगे। पानी वाला सांप। पानी का सांप अलग अलग रंग के कई प्रकार के साथ रंगीले सांप होते हैं। इनका शरीर आमतौर पर भूरे या फिर काले रंग के क्रैब सेट और किनारों पर काले धब्बे के साथ भूरे भूरे से रंग का होता है और जो छोटे सांप होते हैं उनका रंग काफ़ी गहरा होता है। किंगफिशर की लगभग 90 प्रजातियां हैं। सभी के बड़े सिर, लंबे तेज नुकीले चोंच, छोटे पैर और ठुठुनदार पूंछ होती है। अधिकांश इन प्रजातियों के पास चमकीले पंख जिनमें अलग अलग कलर होते हैं और इनकी संख्या ज़्यादातर जंगलों में पाई जाती है। आपने भी सुना होगा कि बिस्कोबड़ा का काटा हुआ पानी नहीं मांगता, पर खास तौर पर अगर ये बिस्कोबड़ा काट ले और वहाँ पे पेशाब कर दे तो इंसान का बच पाना नामुमकिन हो जाता है। बिस्कोबड़ा कोई अलग प्रजाति नहीं बल्कि यह गोहे के ही बच्चे हैं जो कि छोटे छोटे क्यूट से हैं। गीदड़ या सियार। अगर आप गांव में रहते हो तो इनको आप आसानी से देख सकते हो, पर जो शहर वाले लोग होते हैं उनको इनको देखने के लिए चिड़ियाघर में जाना पड़ता है। हाँ, मैं जानता हूँ ये कोई फैक्ट नहीं है। यह ज़्यादातर समय की राह देखते हैं। अगर इनको भोजन मिला तो ठीक है, नहीं तो किसी दूसरे बड़े जानवर द्वारा जो शिकार किया जाता है और वो शिकार को वो छोड़ देते हैं खा के, इसके बाद ये उस पर झपटा मारता है। आपने भी ज़रूर सुना होगा कि टिटिहरी का जोर जोर से आवाज़ करना अशुभ माना जाता है। कहते हैं कि जब टिटिहरियाँ झुंड में गोल घेरे में चक्कर काटती हैं तब किसी दुखद घटना का संदेश होता है और रात को यह अपने दोनों पैर ऊपर करके सोती है और इनका घोंसला किसी पेड़ पे नहीं बल्कि ज़मीन पे छोटे छोटे झाड़ियों में या फिर टहनियों पे अपना अंडा देते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।